शालिनी और विजय एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे। राजा साहब भी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को तोहफे देके रंग लगा रहे थे। काशी आंख बंद किए सर पीछे तकिए से लगा के बैठी थी और अभय लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी मालिनी ने दरवाजे पर खड़े हुए कहा, होली मुबारक हो अभय। अरे मालिनी आप आइए, आपको भी होली की बधाई हो। ये कहते हुए अभय ने लैपटॉप साइड में रख दिया। मालिनी ने काशी की तरफ देख के कहा, कैसी हो काशी? जी अच्छी हूँ, काशी ने मुस्कुरा के जवाब दिया। मालिनी ने अभय को रंग लगाया और काशी के पास आई। उसने जब काशी की भरी मांग देखी तो दूसरे हाथ में लिए रंग को उसने कस के अपनी मुट्ठी में बांध लिया और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले आई। फिर उसने काशी के गालों पर रंग लगाते हुए कहा, होली मुबारक हो काशी। आपको भी होली मुबारक हो मालिनी जी। ये कहकर काशी ने उसके गालों पर हल्का सा रंग लगा दिया। तभी शालिनी और विजय भागते हुए अंदर आ गए। मालिनी को वहां देखकर शालिनी ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, अरे मालिनी जी आप, हमें तो लगा आप गुस्सा हो गए इसलिए आप आई नहीं। हम भला अभय से कभी गुस्सा हो सकते हैं? अब उन्होंने शादी कर ली पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमसे दोस्ती तोड़ ली हो। ये कहकर मालिनी उसकी और काशी की तरफ देखने लगी। उसकी बात सुन शालिनी ने मन में कहा, हाँ पता था तू तो जोक है, कहाँ इतना जल्दी पीछा छोड़ेगी। शालिनी ने उसका हाथ पकड़ के बाहर लाते हुए कहा, आइए इसी बात पर हम आपका मुंह मीठा करा देते हैं। बाहर उसके साथ आकर मालिनी ने राजा साहब को भी रंग लगाया और कुछ देर वहां रुककर वो वहां से चली गई। शाम का वक्त, हॉस्पिटल। शालिनी और विजय खाना लेके हॉस्पिटल आए। विजय ने देखा कि उसके पिता विक्रम जी काशी से मिलने हॉस्पिटल आए हुए थे। विजय ने उन्हें देख हैरान होकर बोला, पापा आप कब आए, हमें बताया भी नहीं आपने। अब आपने तो अपने दोस्तों के साथ होली मना लिया तो हम भी अपने दोस्त के साथ होली खेलने आ गए। विक्रम जी ने जब ये कहा तो सब मुस्कुरा दिए। सब बैठ के खाना खाने लगे पर काशी कुछ नहीं खा रही थी। ये देखकर शालिनी ने धीरे से उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ, अभय जी का इंतजार कर रही हो? ये सुन काशी ने धीरे से उसका कान पकड़ के कहा, जी नहीं, आप खाना खाएं शांति से और मेरा सर ना खाएं कृपा करके। काशी ने जब उसका कान छोड़ दिया तो शालिनी ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, बहुत गंदी हो तुम काशी। खाना खा के राजा साहब और विक्रम जी चले गए पर शालिनी और विजय काशी के पास रुक गए। अभय अभी तक नहीं आया था। काशी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शालिनी और विजय डॉक्टर के पास गए थे। नर्स आप राणा जी को बुला देंगी? काशी की बात सुन नर्स ने मुस्कुरा के हाँ बोल दिया और बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो राणा के साथ वापस आई। राणा ने काशी को देखकर पूछा, जी आपने बुलाया हुकुमरानी सा? राणा जी आपके हुकुम से अभी तक नहीं आए, पूछे कहाँ पर हैं वो? जी अभी पूछता हूँ। ये कहकर राणा ने अभय को कॉल लगा दिया। अभय गाड़ी में बैठा था और हॉस्पिटल ही आ रहा था। तभी उसे राणा की कॉल आई। ये देख उसने जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहा, जी राणा क्या हुआ, काशी ठीक है ना? जी हुकुम सा वो ठीक है, वो उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आपका इंतजार कर रही है, आप कब तक आ रहे हैं? राणा के कहने पर काशी ने हल्के से अपने सर पर मारते हुए उसकी तरफ देखा और दूसरी तरफ ये सुनकर अभय को थोड़ा गुस्सा आया और उसने राणा से कहा, फोन स्पीकर पर करिए। अभय ने थोड़ा सख्त आवाज में काशी से पूछा, काशी ये क्या सुन रहे हैं हम कि आपने खाना नहीं खाया है, क्यों? काशी ने उससे सर झुका के कहा, हमें भूख नहीं थी। चलिए खाना खाइए काशी। नहीं खाना। तो फिर क्या खाना है? उसके पूछने पर काशी ने धीरे से कहा, आइसक्रीम। ये सुनते ही अभय ने उससे कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है हम खाना भी नहीं खाएंगे। ये कहकर काशी ने फोन काट दिया। उसके ऐसे फोन काट देने पर अभय मुस्कुराने लगा। काशी ने फोन राणा जी को दिया और बैठ गई गुस्से में। नर्स ने ये देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। तभी शालिनी और विजय भी आ गए। काशी और बाकी सब बैठ के बात करने लगे। कुछ देर बाद जब अभय हॉस्पिटल आया तो काशी ने उसे देखकर गुस्से से मुंह फेर लिया। अरे अभय जी आप आ गए, चलो आप दोनों अब साथ में खाना खा लो। ये बोल शालिनी उठ खड़ी हुई। तभी काशी ने गुस्से में कहा, नहीं हमें भूख नहीं है। ये सुन अभय मुस्कुरा दिया।
वो जानता था कि काशी आइसक्रीम ना लाने पर अभी तक उससे नाराज है। ये सुनकर शालिनी ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों? देखो काशी, चुपचाप खा लो वरना। काशी ने उसकी तरफ देख के कहा, वरना क्या करोगी? शालिनी ने अपनी कमर पर हाथ रखे हुए कहा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती खिलाएंगे। ये सुन काशी उसे घूरने लगी। शालिनी ने लाकर अभय को खाना दिया और काशी को वो खुद खिला रही थी। विजय काशी से बात किए जा रहा था। काशी ने शालिनी की तरफ देख के विजय से कहा, वैसे एक बात बोलें आपसे कुंवर सा। जी बोलिए प्रिंसेस। आपको इनसे शादी करने का फैसला बदल देना चाहिए, वरना आपके साथ भी ऐसे ही जबरदस्ती होगी। आप कोई और देख लो। ये कह काशी शालिनी को देख कर मुस्कुरा दी। अरे ऐसे कैसे किसी और से शादी कर लेंगे? अच्छा जी, तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। काशी ने ये कहा तो शालिनी शर्मा गई और वो उठ के जाने लगी। अभय मुस्कुराते हुए सब देख रहा था। काशी ने जाती हुई शालिनी का हाथ पकड़े हुए कहा, तो कुंवर सा, बनारस की ये लड़की आपको पसंद है या नहीं? नहीं तो इसके लिए भी कोई रुद्रदेव खोजें। उसकी बात पर विजय ने कहा, अब हम क्या बोलें प्रिंसेस, इन्होंने बताया नहीं कि इनके दिल में क्या है। इस पर शालिनी ने काशी की तरफ देखकर कहा, हाँ काशी, इन्होंने तो जैसे पूरे राजस्थान में पोस्टर लगा दिया है हमारी मोहब्बत में। ये सुन अभय ने कहा, तो अभी लगा देते हैं शालिनी जी, क्यों काशी? काशी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी विजय ने सबसे कहा, तो इन्होंने भी तो नहीं कहा। काशी ने शालिनी को पास बैठाते हुए कहा, तो चलिए अभी बुलावा देते हैं। तो कुंवर सा, कितना प्यार है आपको शालिनी से। इस पर विजय ने गा के कहा, हमें इनसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते इनके बिना। ये सुन शालिनी ने नजरें नीचे झुका ली। इस पर काशी ने मुस्कुरा के कहा, वाह कुंवर सा, क्या बात है, मोहब्बत में ये भी सीख गए आप। फिर अभय ने शालिनी से कहा, अब बारी शालिनी जी की है, तो बताइए शालिनी जी, क्या कुंवर सा आपको पसंद है? बन जाऊं दुल्हन मैं, तू मेरा सजन हो, मांगू ये दुआएं जल्दी से मिलन हो। शालिनी ने भी उसी अंदाज में बोला और शर्माकर काशी के गले लग गई। शालिनी ने भी उसी अंदाज में बोला और शर्माकर काशी के गले लग गई। अरे वाह, ये हुई ना बात, तो इसी खुशी में मुंह मीठा हो जाए। ये कहकर अभय ने राणा को कॉल किया। राणा ले आओ अंदर। अभय ने बोला और फोन रख दिया। राणा दो बॉक्स लिए अंदर आया। शालिनी ने आइसक्रीम के डब्बों को देखकर कहा, अरे वाह आइसक्रीम, क्या बात है। ये देख काशी भी अभय की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वो भी उसे ही देख रहा था। शालिनी ने सबको आइसक्रीम निकाल के दिया। सब बैठ के खा रहे थे। तभी काशी ने उससे कहा, शालिनी जरा खिड़की खोलना कमरे की। उसके कहने पर वो उठ के गई और खिड़की खोल आई। पूरा चांद खिड़की से कमरे में झांक रहा था। ये देखकर काशी के चेहरे पर स्माइल आ गई। शालिनी ने उठते हुए कहा, अगर आप सबको बुरा ना लगे तो क्या एक एक कप चाय हो जाए? क्यों नहीं, मैं मंगवा देता हूँ। विजय ने यह कहा और हॉस्पिटल की कैंटीन में फोन कर 5 कप चाय मंगवा दी। अभय काशी के पास वाली कुर्सी पर बैठा था और शालिनी विजय दूसरी तरफ। तभी शालिनी ने सबसे कहा, हम अंताक्षरी खेलें, वैसे भी अभी नींद नहीं आ रही है। काशी ने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है। उसके बाल बार बार उसे परेशान कर रहे थे, तो अभय उठा और अपना रुमाल निकाल के उसे रोल करके काशी के सारे बालों को धीरे से पकड़ के रुमाल से बांध दिया। अभय ने बालों को बांध के थोड़ा काशी के कंधों पर झुक के कहा, आपको परेशान करने का हक सिर्फ मुझे है, इन जुल्फों से कहो परेशान न करें आपको। काशी की गर्दन को जब उसकी सांसों ने छुआ तो उसने आंखें बंद कर ली। अभय दूर हट गया। अच्छा अब आप सब लोग बातें करें, हम अभी आते हैं। वो जैसे ये बोल के जाने लगा तो काशी ने धीरे से गाया, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो।
काशी अपनी नजरें नीचे किए गा रही थी। अभय दरवाजे पर रुक गया और मुस्कुरा दिया। तभी शालिनी ने आगे गाया, तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम है जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। अभय आके अपनी जगह पर वापस बैठ गया था। विजय ने शालिनी के हाथों को अपने हाथों में थाम के आगे के बोल बोले, वक्त के कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है चंद घड़ियां यही है जो आजाद है इनको खो कर मेरी जान जा उम्र भर ना तरसते रहो आज जाने की जिद ना करो जाने की जिद ना करो। अभय ने काशी को देखा और उठ के खिड़की के पास आ गया और पूरे चांद को देखकर आगे गाने लगा, कितना मासूम रंगीन है ये समा हुस्न और काशी ने देखा अभय के चेहरे पर दर्द था। उसने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, मुझे नहीं पता अभय आपने कितने दर्द अपने सीने में आज तक दफन किए हैं, पर वादा करती हूँ कि कोशिश करूंगी कि आपकी जिंदगी में सुकून बन के आऊं मैं। अच्छा काशी, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं, अंकल जी भी अकेले हैं। ये कहकर शालिनी उठ खड़ी हुई। विजय ने भी उठते हुए उससे कहा, चलिए हम छोड़ देते हैं आपको, और दोनों काशी से अलविदा लेकर चले गए। अभय अभी भी वैसे ही खिड़की पर खड़ा था। हुकुम सा, काशी की आवाज सुन अभय ने उसकी तरफ देखा। उसके देखने पर काशी ने धीरे से कहा, हमें सोना है। अभय आया और काशी को पकड़ के लिटा दिया। वो उसे लिटा के जाने लगा तो काशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय ने पीछे मुड़ के देखा और उससे पूछा, क्या हुआ, मेरा कंगन कहाँ है? ये सुन अभय ने पास की दराज खोलकर कंगन निकाल के काशी के हाथ में पहना दी और जाने लगा तो उसने कंगन बजा दिया। कंगनों की आवाज सुन अभय रुक गया और उससे बोला, अब क्या हुआ काशी? नींद नहीं आ रही है, आंखें बंद कीजिए, आ जाएगी। ये सुनकर काशी ने बस इतना कहा। अभय ने सारी लाइट ऑफ करके एक लाइट जली रहने दी। चांद की आती रोशनी में सारा कमरा रोशन था। अभय आया और सोफे पर लेट गया। काशी आंखें बंद किए सो रही थी। अभय उसे प्यार से देख रहा था। आज सबके दिलों में सिर्फ मोहब्बत थी। अभय काशी को अपनी जिंदगी में पाकर खुश था, पर उतना ही खौफजदा भी। उसके जहन में काशी को खो देने का डर था,
और काशी के मन में अभय की जिंदगी में खुशियों के भरने की खुशी थी। वो अभय की जिंदगी में आए इस वीरानेपन को अपने भरोसे और साथ से भरना चाहती थी। अभय भी उसे देखते देखते सो गया, काशी भी गहरी नींद में थी। चांद अपनी पूरी रोशनी दोनों पर बिखेर रहा था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।